सरपंच संघ गया जिला इकाई के द्वारा गांधी मैदान गया में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। उक्त सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि बिहार के सभी ग्राम कचहरी स्तर पर अविलंब निम्नांक की सभी सेवाएं सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिला सहित सूबे के सभी 1,23,044 सरपंच, उप सरपंच, पंच जन प्रतिनिधि, 8,387 सचिव, 8,387 नियमित एवं 16,774 ग्राम रक्षा दल सदस्य, कुल 1,56,592 ग्राम कचहरी प्रतिनिधि तथा कर्मीगण संयुक्त रूप से माननीय अनुमंडल व्यवहार उच्च न्यायालय आदि का बोझ कम करते हुए बिहार पंचायती राज को देश ही नहीं विश्व स्तर पर न्याय के साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के कायम रखने में भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आज जो सबसे निचले पायदान पर न्याय देने का काम कर रहा है उसके साथ ही अन्याय हो रहा है। आए दिन पंच सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। उक्त मौके पर प्रदेश महासचिव देवेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष बबीता कुमारी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, मोहम्मद जफर खान, अजीत कुमार सिंह, महेश कुमार, सुमन सहित सैकड़ों की संख्या में पंच सरपंच, उप सरपंच उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यायाधीश होते हुए भी आज हाशिए पर पहुंचाने के लिए जो सरकार ने कुत्सित प्रयास किया है, जो कुटिलता भरी रणनीति किया है, इस कुटिल चाल से स्वतः वापस हो जाए और वापस होकर के जिस प्रकार से सिस्टम इत्यादि में पशुपालन, कृषि, सरपंच के जो अधिकार में था, जहां मजदूर और किसान की आपसी घर की एक एक पति पत्नी की झगड़ों को निपटारा करने में सक्षम सरपंचों के साथ कुटिलता भरी की गई, इस सिस्टम को समाप्त करें, अन्यथा सरकार चेत जाए। सरपंच और पंच बिहार के चेत गए हैं, आगे उनको भी चेतने की बारी आ रही है। आगे आने वाले इलेक्शन में भी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। किसी के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना बिहार सरकार को महंगा पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना की बात है। क्या मांग थी? मांग में है कि मुख्य मांग है, हमको सुरक्षा चाहिए, समुचित मान, सम्मानजनक मानदेय चाहिए। हमें कोर्ट लगाते समय चौकीदार नोटिस तामील करने के लिए चाहिए, जो कि 6 में ही सरकार ने आदेश निर्गत कर दिया है। डीजीपी महोदय स्वयं लेटर निर्गत किए हैं, पूरे थाना डीएम एसपी जो भी मुख्य पदाधिकारी हैं सबको अल्टीमेटम दिए हैं कि किसी भी सरपंच को कोर्ट के लिए, कोर्ट का नोटिस तामील करने के लिए चौकीदार मुहैया कराओ, जो आज तक नहीं हो पाया। ये बड़ी घोर निंदनीय बात है। इसमें दूसरी बात, चुनाव पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने बोले थे कि सप्तम वित्त और सप्तम वित्त का पैसा जो है, जो विकास का कार्य होगा, वो सरपंच और सचिव, पंचायत सचिव के बीच में खाता खुलेगा और उस पर जो है विकास का कार्य होगा। नली गली कच्चा पक्का जो भी काम है या जो भी पंचायत में कार्यक्रम कर रहा है उसमें निगरानी का काम सरपंच महोदय करेंगे। लेकिन जब पंचायत चुनाव खत्म हो गया उसके बाद इसका लेटर निकला है, बिहार सरकार का डायरेक्टर जो है पंचायती राज का, उनका मोहर स्टैंप के साथ लेटर निकला है। और उसके बाद जब कहते हैं कि गलती हो गया, वाह भाई कैसा गलती करते हो आप, यह क्या मतलब है गलती करने का, यह तो छल है, धोखा है।